जय हिंद दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज ये जो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का फ्यूचर है। कैसे फ्यूचर है आपको अभी पता चलेगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारा पहला एपिसोड है। यदि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब आज से आपको एपिसोड बाय एपिसोड आपको सारे पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जीरो से हीरो बना दिया जाओगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, आखिर इसको स्टडी क्यों करना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। इसका दोस्तों आंसर यहाँ पे ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके सामने खड़ा होगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा पहले क्या चलते थे, पहले घोड़े गाड़ी गधा ये सब चलते थे, लेकिन अब क्या चलता है, अब चलता है हेलीकॉप्टर यानी कि एरोप्लेन। किस तरह से दुनिया ने यहाँ पे तरक्की की, उसी तरह से हमारा जो पहले इंटरनेट था वो था वेब 1, फिर आया वेब 2, फिर आया वेब 3। लेकिन अभी जो हमारा इंटरनेट है, अब हम ये समझ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों पढ़ना चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं इसका जो मकसद है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ने का, ये हमारा क्लियर हो जाएगा, जो कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पूर्व हमें यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो इंटरनेट की यदि बात की जाए तो इंटरनेट पर क्या होता है, आप किसी को मैसेज करते हो इंटरनेट के थ्रू। पहले का इंटरनेट कैसा था, ईमेल के द्वारा मैसेज या व्हाट्सएप से या फिर किसी तरह से फोटो भेजी जाती थी ईमेल के थ्रू। लेकिन इंटरनेट ने भी अपनी ग्रोथ दर्ज की और यहाँ पे आज इंटरनेट ऐसा हो चुका है फास्ट कि आप सिर्फ एक सेकेंड में पलक झपकते ही चीज़ों को दूसरे तक भेज सकते हो। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, यानी कि उधर से उधर बात को तो भेज पाते हो, लेकिन क्या वहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकता है आपके इंटरनेट पे। कोई भी मैसेज मैं आपको लिखूँ फिर उसको डिलीट भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि यहाँ पे कोई भी चेंज कभी भी कर सकता है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है कि यहाँ पे चेंज किया गया या नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटरनेट में कमी थी वो थी यहाँ पे ट्रस्ट की, यानी कि विश्वास। हम कैसे करें कि इंटरनेट एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो एक इंटरनेट से दूसरी टेक्नोलॉजी एक उत्पन्न हुई जो ये इंटरनेट से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की बात की जाए तो इसका ट्रस्ट का दूसरा नाम ब्लॉकचेन कहलाता है। क्यों उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट में जहां हम एक चीज़ एक बार कोई चीज़ डिलीट कर देते थे तो वो डिलीट हो जाती थी और उसमें कोई डेटा नहीं रहता था। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या है, यहाँ पे अभी यदि डिलीट करोगे तो उसका भी रिकॉर्ड बन जाएगा कि यहाँ पे डिलीट की गई है, और हर डाटा यहाँ पे ब्लॉकचेन में स्टोर रहता है, और बिल्कुल आप सब देख सकते हो और सारा कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहता है। और ट्रस्ट, इंटरनेट में ट्रस्ट नहीं था, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता था, लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, ब्लॉकचेन एक ऐसा इंटरनेट बनाएगा जो यहाँ पे जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और क्या इसकी खासियत है अभी आगे आपको पता चलेगा। तो हमने सबसे पहले तो ये तो पता कर लिया कि ब्लॉकचेन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट आता है, इंटरनेट पर ट्रस्ट नहीं था, और जो कि दुनिया ट्रस्ट पर ही चलती है, तो यहाँ पर ट्रस्ट ये लाया है ब्लॉकचेन। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे व्हाई शुड आई स्टडी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जरा हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, कोई भी देश की हो सकती है, मैं इंडिया की लेकर के चल रहा हूँ, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे कोई वेलफेयर का काम किया, कल्याण का काम किया, तो कुछ पैसे या फिर लोगों के लिए मदद के लिए पैसे कुछ ऊपर से भेजे, शासन से भेजे गए, यानी कि केंद्र सरकार से भेजे गए, लेकिन क्या वो पब्लिक के पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, इस बात का प्रूफ क्या है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो होता है, यदि किसी कहीं से भी पैसे भेजे गए हैं तो वो लोगों के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसकी बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आपको ट्रांसपेरेंट हर कोई व्यक्ति वहां पे जाकर दे सकता है कि वाकई में क्या वहां पे पहुंचे नहीं पहुंचे। बिना ब्लॉकचेन के अभी तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ब्लॉकचेन के आ जाने के बाद कोई भी चीज़ को यदि कोई भी गवर्नमेंट उधर से उधर पैसे भेजती है किसी पब्लिक के लिए, तो हमें कम्प्लीटली दिख जाएगा कि वो पैसा कहाँ से कहाँ गया, क्या गरीबों के खाते में गया या फिर नहीं गया। तो ब्लॉकचेन के जरिए ही सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल लें हम चाय का। मान लीजिए आप कोई या फिर कॉफ़ी को या ब्रांडेड की पीते हैं, तो उसमें आपको ब्रांड में क्या आपको पता है कि जो आप कॉफ़ी पी रहे हो वाकई में ब्रांडेड है या फिर कोई लोकल है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, क्या उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, कि आपको पता है कि ये कहाँ से आई है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको ट्रस्ट, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो ट्रस्ट आपको आएगा वो आएगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी आती है, यानी कि पारदर्शिता आती है, और हर चीज़ को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, हर कोई यहाँ पे दे सकता है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। तो अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये सारे काम किस तरह से किए जाएंगे आपको जान करके उत्सुकता हो रही होगी, लेकिन मैं आगे आप जल करके आपको बताऊंगा कि ये सारे काम कैसे किए जाएंगे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सामने विंडो आ जाती है और हम समझते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन का जो फाउंडर है यानी कि जिन्होंने ब्लॉकचेन का सबसे पहले रिसर्च में इन्वेंशन किया था वो थे स्टुअर्ट हैवर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टॉरनेटा। तो ये जो आप दो लोग देख रहे हो इन्होंने सबसे पहली बार रिसर्च में पाया था ब्लॉकचेन का इन्वेंशन, आप इन्हीं से समझ सकते हो। तो अब हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन होती क्या है। तो ब्लॉकचेन की बात करें तो यहाँ पे टाइटल लगा हुआ है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लीजर, ये शब्द पर जरा फोकस कीजिएगा। ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि यानी कि सब में बटी हुई है, यानी कि हर कंप्यूटर पर है, और कंप्यूटर को ही हम टेक्निकल में नोड्स कहते हैं। तो ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सब में बटी हुई है, हर कंप्यूटर पर आपको इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, यदि आपने पाइथन एनाकोंडा पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि इम्यूटेबल का मतलब होता है कि उसको मिटाया नहीं जा सकता है, इरेज नहीं किया जा सकता है। यदि उसमें कोई चेंज किया जाएगा तो सबको पता हो जाएगा कि यहाँ पे चेंज किया गया है। लीजर यानी कि जिस तरह से आपकी पासबुक या फिर किसी तरह की आप देख लीजिए कोई भी खाता आप होता है तो उसमें आप लीजर इस तरह से आप समझ लीजिए, डायरी अपनी समझ लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लीजर, अभी आपको एग्जाम्पल से आप समझ आएगा कि आखिर है क्या, लेकिन मैं आपको वर्ड को एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लीजर, डिस्ट्रीब्यूटेड सब में बटा हुआ है, इम्यूटेबल बिगाड़ा नहीं जा सकता है, लीजर आप डायरी समझ लीजिए। विच इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता, यानी कि सबके पास चूंकि दिखेगा तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। डिसेंट्रलाइज मतलब किसी कोई एक गवर्न नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे कंप्यूटर्स पर दिखेगी, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं तो सब पे ये चीज़ें दिखती हैं। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि कोई एक सेंट्रलाइज एंटिटी उसको गवर्न नहीं कर रही है बल्कि सारे कंप्यूटर उसको गवर्न कर रहे हैं, यानी कि वो डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब यानी कि केंद्रीकृत, यानी कि एक किसी के पास केंद्रीकृत ये टेक्नोलॉजी नहीं है, उस सब में बटी हुई है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने पर हमें पता चलता है, जैसे अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप गए हो कहीं पर तो आपने एक कार खरीदी, ठीक है, 1 करोड़ की सपोज कीजिए आपने कार खरीदी। आपने क्या किया, वहाँ पे कंप्यूटर से उसकी बिल बनता है। आपने मान लीजिए उधार पे खरीदी, सपोज कीजिए आपने उधार पे एक कार खरीदी 1 करोड़ की, उसने एंट्री की, उसने आपके सामने एंट्री की 1 करोड़ की कंप्यूटर में अपने, लेकिन जैसे ही आपको दिखा भी दिया कि हाँ देखिए 1 करोड़ की एंट्री है, लेकिन आप जैसे ही वहां से हटे उसने क्या किया, चुपचाप से वहां पे 2 करोड़ की एंट्री कर दी। उसने उसको मिटा करके, क्योंकि इंटरनेट में आसानी से आप मिटा दो उसकी जगह दूसरा भर दो, तो उसने 2 करोड़ कर दिए। आप जब दोबारा आप गए तो आपने कहा 1 करोड़ रुपए पे करना है, लेकिन उसने कहा कि नहीं तो 2 करोड़ रुपए पे करने हैं, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई प्रूफ है, नहीं है, क्योंकि उसने स्टोर किया था इंटरनेट पर, और इंटरनेट पर कोई भी चीज़ आसानी से मिटा जा सकती है, दूसरा वहां पे एंटर कर दिया जाएगा, सिंपल सा फंडा होता है। तो आप जब उसने 2 करोड़ कर दिया, आप कहोगे 1 करोड़ नहीं 2 करोड़, तो ये चीज़ का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इस चीज़ का सोल्यूशन आपको मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। तो इसमें ट्रस्ट की बात आ जाती है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अब क्या होगा, जो आपने व्हाट इज ब्लॉकचेन पे इवेंट चल रहे हैं, तो लीजर जो बुक है यानी कि जहां पे उसने ट्रांजेक्शन नोट किया कि आपने 1 करोड़ की कार खरीदी, तो वो जो यदि ट्रांजेक्शन को हम ब्लॉक में ऐड कर दें, ब्लॉक में यदि हम ब्लॉक में इसको ऐड कर दें ट्रांजेक्शन को कि आपने 1 करोड़ की कार खरीदी, तो उसमें ब्लॉक में से एडिट नहीं किया जा सकता है। यदि इसमें एडिट किया जाएगा तो उसका भी रिकॉर्ड बन जाएगा कि यहाँ पे चेंज किया गया है, जो कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि ब्लॉकचेन पे यानी कि इस लेजर में कुछ चेंज किया गया है। ब्लॉक ये भी बता देगा कि इसमें चेंज किया गया है, यदि नहीं चेंज किया हो गया होगा तो फिर तो बात ही खत्म, आपका 1 करोड़ है ही। तो यहाँ पे ब्लॉक का मतलब यही होता है कि लीजर में जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको एक ब्लॉक में यदि हम डाल दिया जाए तो वो कभी भी इम्यूटेबल होता है, यानी कि उसको म्यूट इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है, यदि उसमें चेंज भी किया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, हमारे नोटिफिकेशन चली जाएगी कि उसमें चेंज किया गया, और इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि उसमें चेंज किया गया तो उस पर हम क्लेम उठा सकते हैं। तो ये होती है व्हाट इज ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यदि कि नहीं यानी आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी ट्रांजेक्शन या लेजर को जो अपनी डायरी में आप नोट करते हो उसको किसी भी तरह से बिटाया जा सकता है, इंटरनेट पे बिटाया जा सकता है, लेकिन यदि आप ब्लॉक में डाल दोगे तो वो कभी भी मिटेगा नहीं और वो इम्यूटेबल होता है। अब इसका जरा हम और यहाँ पे विस्तृत देखते हैं। तो इसमें एक चीज आप देखिए, ये था आपका ब्लॉक, ये था ना आपका ब्लॉक, अब इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे चेन पर, तब बनेगी हमारी ब्लॉक चेन। समझिए ध्यान से, ये पूरा दुनिया है, ये देख लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें कई सारे कंप्यूटर लगे होंगे, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे थोड़े कंप्यूटर लगाए हुए हैं। तो आप देख लीजिए ये एक वन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम टेक्निकल में नोट्स कहते हैं, है ना। तो ये कंप्यूटर हमारे सारे सारे हैं, हम क्या करेंगे इस ब्लॉक को उठा करके चेन चेन पर डाल देंगे। तो जब ये ब्लॉक को उठा करके हम चेन पर डालेंगे तो बन जाएगी हमारी ब्लॉक चेन।
देखिए, ये चैन कहीं पे बनी नहीं है, फिजिकल रूप में नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर नोट्स बन करके ये चैन एक बनाते हैं, जिसको हम जब ये ब्लॉक, ये जो लीजर है, इसको उठा करके क्या किया जाएगा, हम डाल देंगे इस चैन पर। ये देखिए, चैन पूरा दुनिया में पूरा जाल बिछा हुआ है ना, ये है ब्लॉक चैन का जाल। तो जब ये ब्लॉक उठा करके हम इसमें चेन में एक बार जब इंटर कर देंगे, यानी कि जब ये पड़ जाएगा ब्लॉक चेन पर, तब ये बन जाएगा ब्लॉक प्लस चेन इज इक्वल टू ब्लॉक चेन। तो जब ये चैन पर पड़ जाएगा तो क्या होगा, सब में ये दौड़ जाएगा, सारे कंप्यूटर्स में पड़ जाएगा। देख लीजिए, सारे कंप्यूटर में फैल जाएगा। फिर देखिए, आपका ये जो ब्लॉक है, ये देखिए सब कंप्यूटर के पास चला गया, यानी कि पूरी दुनिया में फैल गया ये आपका ब्लॉक, और कोई भी इसे देख सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई एक कंप्यूटर के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, सबके पास है। इसलिए डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई सेंट्रलाइज, यानी कि कोई एक के पास रिकॉर्ड नहीं है, सारे के पास एक ही रिकॉर्ड है। ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शिता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे जाकर के वेरीफाई कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या इसको हर कोई हमारे ट्रांजेक्शन को देख सकता है? जी नहीं, आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि आपका जो ब्लॉक है, आपका इसका आपका एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस से आप जाकर के उसको वेरीफाई कर सकते हो। वो एड्रेस हर तरह का यूनिक होता है, और वो आपके पास होगा तो आप ही उसको वेरीफाई कर सकते हो, और कोई नहीं वेरीफाई कर सकता है। ये आगे चलकर के आपको पता चलेगा, है ना। तो कोई मतलब हर कोई, यदि यदि आप उसको एड्रेस बता दोगे किसी को, मान लीजिए किसी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, तो वो आपका देख सकता है, यानी कि आप भी देख सकते हो। दुनिया में हर कोई देख सकता है, लेकिन उसको दुनिया में हर कोई देख तो सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहेगा कि आपका है नहीं है। लेकिन आप पता कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अपना एड्रेस, तो आप अपना देख सकते हो कि कहाँ मतलब इसमें चेंज किया गया नहीं किया गया। तो यानी कि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई एक कंप्यूटर के पास नहीं, सब में ही फैल जाता है चैन पर पढ़ने के बाद, ब्लॉक चैन पर पढ़ने के बाद। दूसरा, इम्यूटेबल है, इसमें इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं की जा सकती है। यदि इसमें की भी गई तो उसका भी अलग से एक बन जाएगा लीजर कि इसमें चेंज ये किया गया है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें चेंज किया गया है, तो आपको पता ही चल जाएगा, है ना। तो चेंज नहीं किया जा सकता। और क्या था? और था ये, देखिए मैं आपको पीछे करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ और क्या क्या यहाँ पे था। तो और यहाँ पे क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि देखिए सारे कंप्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने अभी दिखाया था ना आपको, ये सारे कंप्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इम्यूटेबल है, यानी कि इसको मिटाया नहीं जा सकता। यदि मिटाया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा कि मिटाया गया है, आप उसमें क्लेम ठोक सकते हो। उसके बाद ये लीजर है, एक तरीके से आपका जो खाता है वो आपने ब्लॉकचेन पे डाल दिया, डायरी से लिख करके, जो आपने डायरी में ट्रांजेक्शन लिखा था उसको कोई मिटा भी सकता था, लेकिन ये आपने चेन पर डाल दिया। तो ये लीजर जो आपका खाता में दर्ज था वो आपने यहाँ पे डाल दिया। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शिता, हर कोई देख सकता है। डिसेंट्रलाइज, यानी कि कोई एक सिंगल नहीं गवर्न करता है, बल्कि सब लोग मिलकर के गवर्न करते हैं, और हर कोई इसको देख भी सकता है। तो ये था आपको आज मैंने बताया कि ब्लॉकचेन क्या है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और ये भी मैंने बताया कि इसकी आगे आने वाले फ्यूचर में इसकी क्या जरूरत है, ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।